हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में हैशिंग टेक्निक क्या होती है और आप डिफरेंट हैश फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैशिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा एफिशिएंटली। हैशिंग एक टेक्निक है जिसका डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए एंड रिट्राइव करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ हैश फंक्शन टू मैप डेटा आइटम्स टू अ फिक्स्ड साइज एरे विच इज़ कॉल्ड अ हैश टेबल। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, हैश फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हैश फंक्शन की हेल्प से आप डेटा को एक फिक्स्ड साइज एरे में मैप करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जो भी आपका डेटा है, किसी भी साइज का डेटा है, उसको आप क्या करोगे, एक फिक्स्ड साइज टेबल में, राइट, उसको मैप करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसको शो करोगे, और उस टेबल को क्या कहा जाता है, हैश टेबल, राइट। हैश टेबल इज ऑल्सो नोन एज हैश मैप। हैश टेबल को हैश मैप भी कहा जाता है। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर। तो ये एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये एक हमारी टेबल है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ को कुछ कीज रिप्रेजेंट करती है। मान लो मेरे पास ये वैल्यू है 20 हो गई, लेट अस सपोज उसको, इसको 0 आप की से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास ये हो गया 30, लेट अस सपोज दिस इज 30, आप इसको 1 की से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। इट अलाउज इन फास्टर सर्च, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। तो अगर आप डेटा को हैश टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो या मैप करते हो, राइट, तो क्या होगा, आप अपने डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से सर्च कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो आप डेटा को, और डिलीट भी कर सकते हो, राइट। अभी वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हमारे पास हैश फंक्शन। यू प्रोवाइड योर डेटा आइटम्स इनटू द हैश फंक्शन। जो भी आपके पास डेटा है, जो भी सीक्वेंस है, वो आप क्या करोगे, उसको आप हैश फंक्शन के साथ यूज़ करोगे, राइट। मतलब हैश फंक्शन उस डेटा पे आप अप्लाई करोगे। द हैश फंक्शन क्रंचेस द डेटा एंड गिव अ यूनिक हैश कोड। हैश फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को ब्रेक करता है और उसमें से एक यूनिक कोड आपके पास निकल के आता है, राइट। द हैश कोड देन पॉइंट्स यू टू अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द हैश टेबल। और इस हैश कोड की हेल्प से आप अपने डेटा को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेट कर सकते हो हैश टेबल के अंदर, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपके पास आपका डेटा है ये लिस्ट, जिसमें यहाँ पे आइटम्स दिए गए 11, 12, 13, 14, 15, ओके। आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया, आपने जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, राइट, उसको आपने एज अ एक्स लिया, एक्स मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो आप फर्स्ट का रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो आपका 1 इंडेक्स पे आपने हैश टेबल के अंदर अपनी वैल्यू को प्लेस कर दिया है, मैप कर दिया है। देन आपका 12 अगर आप डिवाइड करते हो 10 से, तो मॉड्यूलस मतलब आपका रिमाइंडर क्या आता है, 2, तो आपने 2 इंडेक्स पर आपने 12 को मैप कर दिया है, डैट मीन्स लोकेट कर दिया। ऐसे आपने 13 को 3 इंडेक्स पे कर दिया है, 14 को 4 इंडेक्स पे कर दिया है, 15 को 5 इंडेक्स पे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया, आपने अपने डेटा को अप्लाई किया हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन ने आपको क्या दिया, एक कोड दिया जिसको आप हैश कोड बोलते हो। जैसे यहाँ पे 1 क्या हैश कोड है, 2 क्या आपका हैश कोड है, राइट। और हैश कोड क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे आपके डेटा को हैश टेबल के अंदर मैप करने में हेल्प करता है, राइट, ओके। अब हम देखेंगे हैश फंक्शंस, राइट। The hash function in data structures is used to convert a key into an index that can be used to access the data stored in a hash table. तो हैश फंक्शन की हेल्प से आप क्या करते हो, आपका जो डेटा है उसको हम एज अ की यहाँ पे ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है हैश कोड में, या आप उसको कह सकते हैं इंडेक्स में, ओके। और इस इंडेक्स की हेल्प से डेट कैन बी यूज टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन द हैश टेबल। अगर हैश टेबल के अंदर डेटा स्टोर है तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर स्टोर नहीं है तो आप उस डेटा को लोकेट कर सकते हैं, मींस मैप कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं डेटा को, रिट्राइव भी कर सकते हैं। द गोल ऑफ हैश फंक्शन इज टू प्रोड्यूस यूनिक हैश कोड फॉर ईच यूनिक की। तो हैश फंक्शन का क्या गोल होता है, कि वो जितना भी आपके पास डेटा है, वैल्यूज हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर हैश कोड क्रिएट करे, सो डैट नो टू कीज मैप टू द सेम लोकेशन इन द टेबल, ओके। जिससे क्या हो, दो वैल्यूज सेम लोकेशन पे मैप ना हो, दो वैल्यूज को सेम लोकेशन पे लोकेट ना किया जाए, बल्कि यूनिक यूनिक लोकेशन पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लोकेट किया जाए, राइट।
समटाइम्स क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ को सेम हैश कोड भी मिल जाता है, राइट? तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ये लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैश फंक्शंस हैं। तो द प्राइमरी टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस आर डिविजन मैथड, मिड स्क्वेयर मैथड, ओके, फोल्डिंग मेथड एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब इन मेथड्स को, फंक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है आपके पास डिवीजन मेथड। द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ हैश वैल्यू इज थ्रू द डिवीजन, राइट? जो सबसे आसान तरीका है हैश वैल्यू निकालने का वो है डिवीजन मेथड। द की वैल्यू इज डिवाइडेड बाय एम इन दिस हैश फंक्शन, राइट? तो यहाँ पे जो आपकी की वैल्यू है, जो भी की वैल्यू है, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी सीक्वेंस है, ओके, उसको वन बाय, उसको एज अ की लिया गया है, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, एम से डिवाइड करोगे। और एम क्या है यहाँ पे, आपका साइज ऑफ द हैश टेबल, राइट? आपकी हैश टेबल का साइज है। एंड द रिजल्ट इज यूज्ड, और रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, आपका आपका हैश कोड होगा, फाइन? तो फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ पे के मोड एम, राइट, हैश टेबल, हैश कोड क्रिएट करने का, फाइन? अब एग्जांपल देखेंगे। सपोज यू वांट टू प्लेस अ वैल्यू, आपके पास ये की है, राइट, एक वैल्यू है जिसको आप की बोलेंगे, इन अ टेबल ऑफ साइज 11, और टेबल का साइज, हैश टेबल का साइज क्या है, 11 है, फाइन? तो हमारे पास की है, हमारे पास टेबल का साइज है, और फॉर्मूला क्या है आपका, के मोड एम, मीन्स की वैल्यू मोड एम क्या है, आपके हैश टेबल का साइज, राइट? अब मोड से क्या होगा, मॉड्यूलस है ये, मोड में आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास आया 0। तो जो ये आपकी की वैल्यू है वो कहाँ पे प्लेस होगी, टेबल के अंदर, वो 0 इंडेक्स पे प्लेस होगी। द की वैल्यू विल बी प्लेस एट द 0 इंडेक्स इन द टेबल, राइट? 0 इंडेक्स पे लगा लो, या आप इसको 0 मेमोरी लोकेशन या 0 मेमोरी स्लॉट भी बोल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम इसको 0 इंडेक्स बोल रहे हैं, ओके? नेक्स्ट है आपके पास मिड स्क्वायर मेथड। इन द मिड स्क्वायर मेथड द की इज स्क्वायर्ड। मिड स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू है उसको, उसका आप स्क्वायर निकालते हैं, एंड द मिडल डिजिट्स ऑफ द रिजल्ट आर टेकन एज द हैश वैल्यू। और जो भी रिजल्ट आता है स्क्वायर निकालने के बाद, उसकी मिडल वैल्यूज को आप एज अ हैश वैल्यू या हैश कोड लेते हैं, राइट? स्टेप्स क्या है, स्क्वायर द की, जो भी वैल्यू है आपके पास, जो भी की है उसको आपको स्क्वायर करना है उसका। एक्सट्रैक्ट द मिडल डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यू, और जो भी वैल्यू निकल के आई है उसकी मिडल डिजिट्स को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, राइट? फॉर्मूला क्या है आपका, हैश कोड कैसे निकलेगा, के इन टू के, राइट? वे के क्या है आपकी की वैल्यू। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द हैश टेबल विद 200 मेमोरी लोकेशंस। आपके पास एक हैश टेबल है जिसके अंदर 200 मेमोरी लोकेशंस हैं, और रिजल्ट क्या है, 2। रिजल्ट में मतलब आपको 2 डिजिट की जो मेमोरी लोकेशन है, राइट, एज डिसाइडेड ऑन द साइज ऑफ द मैपिंग इन द टेबल, ओके? देखो 200 मेमोरी लोकेशंस हैं, ओके, एंड जो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है, जो स्लॉट बनाया गया है आपका, ओके, वो कितने डिजिट का है, वो आपका 2 डिजिट का है, जहाँ पे आप डेटा को मैप करेंगे, राइट? 2 डिजिट में कुछ भी हो सकता है, फाइन? अब हमारे पास इसका मेथड क्या था, कौन सी वैल्यू है आपके पास, की वैल्यू आपके पास 50, ओके? आपने 50 का स्क्वायर निकालना है, 50 × 50 आपका 2500 आ गया। अब 2500 में आपको क्या करना है, इसके बीच में से आपको 2 डिजिट का नंबर निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट था उसको कट कर दिया, लास्ट डिजिट को कट कर दिया, तो आपके पास निकल के आ गया 50, राइट? 50 निकल के आ गया। नाउ ड्रॉप द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन डिजिट ऑफ दिस नंबर, ओके? तो अब 50 कैसे हो, द की 50 विल बी प्लेस एज 50 इंडेक्स, राइट, ओके? या फिर आप कह सकते हो 50 मेमरी लोकेशन या 50 मेमरी स्लॉट, राइट? आप इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पे जो आपका की था 50, वो कहाँ पे प्लेस होगा, वो आपका 50 लोकेशन पे या 50 इंडेक्स पर ही प्लेस होगा, राइट? उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 50 होगा, राइट? या आप कह सकते हो उसकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, 50 होगी, राइट? ओके, दिस इज़ योर मिड स्क्वायर मेथड, ओके? नेक्स्ट वी हैव फोल्डिंग मेथड। द फोल्डिंग मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द की इंटू इक्वल पार्ट्स। फोल्डिंग मेथड में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है आपकी उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन परफॉर्मिंग सुटेबल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन दीज पार्ट। उसके बाद आप क्या करते हो,
जो भी आपने वैल्यूज को, जो भी आपकी जो की थी उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब उन पार्ट्स पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास फोल्डिंग मेथड्स के दो टाइप हैं, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग विद रिमाइंडर और डिवीजन, राइट। फर्स्ट वी हैव द फोल्डिंग, आपके पास की आ गई, की को आपने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2885652। अगर मान लो इसके बाद भी कोई डिजिट होता, 8 होता या 4 होता, तो आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट वाला डिजिट हो सकता है उसको वो अनइक्वल हो रह सकता है, यानी कि तीन तीन डिजिट हैं तो एंड में भी तीन होना चाहिए, ओके, इट डिपेंड्स, ओके। तो अगर वो एक डिजिट बचता है या दो डिजिट बचता है तो लास्ट का अनइवन हो जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू ये थी, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। सिंपल हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की मतलब उसको ब्रेक कर दिया इक्वल पार्ट्स में, ओके, एंड देन उनको उनका हमने सम निकाल लिया, 285 प्लस 652 का सम आपके पास आ गया 937, राइट। अब 937 क्या है, आपका एड्रेस है या मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आपकी ये की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी, फाइन, हैश टेबल के अंदर ये की वैल्यू स्टोर होगी, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोल्डिंग विद द रिमाइंडर और डिवीजन, आपके पास की वैल्यू ये है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अपनी की वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेना और उसका सम निकाल लेना, ठीक है। तो 198765432 थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी आपकी वैल्यू, उसके बाद आपने इनका सम निकाल लिया, इनका सम आपका क्या आया, 1395, राइट। अब आपने क्या किया, द रिजल्टिंग वैल्यू इज देन टेकन मॉड्यूलो द नंबर ऑफ बकेट्स और द स्लॉट्स इन द टेबल। अब टेबल का साइज क्या है, 1000, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका सम निकल के आया वैल्यू का, ओके, मॉड्यूलो साइज ऑफ द टेबल, राइट। तो आपका यहाँ पे 395 क्या आ गया, रिमाइंडर या, ओके। तो आपने क्या किया, जो भी सम निकल के आया, ये आपका सम था, उसका आपने मॉड्यूलस निकाला, उसको आपने डिवाइड किया 1000 से, और 1000 क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ द टेबल, राइट। यहाँ पे 1000 क्या है आपका, साइज ऑफ द टेबल, ओके। और अब जो रिमाइंडर निकल के आया है, इस पर्टिकुलर रिमाइंडर पर आपकी ये वैल्यू स्टोर होगी, की वैल्यू, हैंस 395 इज द एड्रेस ऑफ द की दिस, राइट। तो 395 जो रिमाइंडर है, वहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होगी विद इन अ टेबल ऑफ 1000 वैल्यूज, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन मैथड, राइट। इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वी मस्ट चूज अ कांस्टेंट बिटवीन 0 एंड 1 से a, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चूज करनी है जो किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, 0 से बड़ी हो और 1 से स्मॉल हो, राइट। मल्टीप्लाई द की विद द चूजन a, जो आपका नंबर है, जो की वैल्यू है, उसको आप क्या करोगे, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका की है, आपने इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टेक द फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई इट बाय द टेबल साइज। अब आपको क्या करना है, जो ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, इसका क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको क्या करना है, टेबल के साइज से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट को निकालने के लिए हमने कर दिया मोड वन, तो मोड वन से क्या होगा, आपने क्या किया, जो भी आपका वैल्यू निकल के आई, जैसे मान लो यहाँ पे आपका की क्या है, 1234 आपकी की है, आपने एक कांस्टेंट लिया 0.35784, राइट, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट। अब जो इसकी वैल्यू निकल के आई, जो इसका रिजल्ट निकल के आया, उसका आपको क्या लेना है, उसको आपको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को आपको टेबल साइज से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकालने के लिए आपने क्या ले लिया, जो ये जो रिजल्ट आया उसको आपने मॉडुलस वन ले लिया, राइट। अब वन से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा रिजल्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय द टेबल साइज, हमने टेबल के साइज 100 से, मान लो टेबल का साइज क्या है 100, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके। अब क्या है, द हैश विल बी द फ्लोर, अब टेबल से जो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 57.456, राइट। अब हैश जो कोड है वो क्या होगा, द हैश विल बी द फ्लोर ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द अबव रिजल्ट। तो जो रिजल्ट निकल के आया है उसका हमें फ्लोर निकालना है। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर से आपका फ्रैक्शनल जो डिजिट है वो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होगा, हट जाएगा, आपके पास सिर्फ इंटीजर डिजिट आ जाएंगे, राइट। तो हमारे पास 57 एज अ रिजल्ट आ गया, क्योंकि आपने इस फ्रैक्शनल जो आपका रिजल्ट आया था उसका आपने फ्लोर निकाल लिया है। फ्लोर में आपका क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर रिजल्ट आ गया 57,
राइट। तो जो 57 है वो क्या है आपका हैश कोड। हैश कोड मीन्स वो कोड जो लोकेट करेगा इस पर्टिकुलर की को टेबल के अंदर। और टेबल का साइज़ क्या है, 100 एलिमेंट्स का टेबल का साइज़ है, 100 स्लॉट्स का टेबल का साइज़ है। तो आपका जो 1, 2, 3, 4 जो आपकी की है वो कहाँ पे प्लेस होगी, 57 मेमोरी स्लॉट पे वो प्लेस होगी। राइट, तो दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके अंदर आपने क्या किया, अपनी की को मल्टीप्लाई किया कॉन्स्टेंट के साथ, ओके, और जो रिजल्ट आया उसके फ्रैक्शनल पार्ट को आपने मल्टीप्लाई किया साइज़ ऑफ द टेबल के साथ, और जो रिजल्ट आया उसको आपने इंटीजर पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्लोर अप्लाई किया। राइट, फ्लोर फंक्शन को आपने अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, इंटीजर रिजल्ट आ गया। ओके, सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।